लगाएगी ना। जनसेवा मित्रों का साथ होगा, देश का विकास होगा। जनसेवा मित्रों का साथ होगा, देश का विकास होगा। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेन्द्र सिंह तवार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के सराजनी पार्क के अंदर। आप मेरे पीछे ये तमाम युवाओं की जनसंख्या देख रहे होंगे। ये युवा है मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र, जो मध्य प्रदेश के 52 जिलों के 313 विकास खंडों से, विभिन्न शहरों से, विभिन्न गांवों से, विभिन्न ब्लॉक से और विभिन्न तहसील से आए। इनके आने के पीछे की मुख्य वजह है, पहले मैं आपको इनका परिचय बताता हूं। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र जो प्रदेश के अंदर 9300 की जनसंख्या के अंदर है, जो सरकार और पब्लिक के बीच में एक सेतु का काम करके अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा काम करा, 6 महीने के अंदर विभिन्न सरकार को योजनाएं पहुंचाई, लाडली बहना से लगा के विकसित भारत से लेके हर सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ दिलाने का काम करा। यहाँ तक कि लाडली बहना योजना को 3 महीने के अंदर प्रभावी बनाने का काम भी मेरे पीछे जो आप जनसेवा मित्र देख रहे हैं, इन्होंने ही करा है। क्योंकि उपकरण सीमित थे, सरकारी कर्मचारी सीमित थे, यही जनसेवा मित्र थे जो गांवों के अंदर, खेतों के अंदर, साइकिलों के ऊपर अपने लैपटॉप रख के ई KYC करने का काम करा, लाडली बहना का फॉर्म भरने का काम करा, ऐसे विभिन्न योजना हुए तमाम योजना करके सरकार को लाभ दिलाने का काम करा। इसी सारी घोषणाओं से प्रभावित होकर पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा कि यह जनसेवा मित्र प्रदेश के विकास के अंदर अंतिम कड़ी है और इसीलिए इन्हें, इनका विकास की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसके लिए हम इनको स्थायी रोजगार के साथ में जोड़ेंगे। आपको ये भी बताते हुए चले कि इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य ये था कि स्वरोजगार से साथ जोड़ा जाए, इसके लिए इन जनसेवा मित्रों ने तमाम कार्य किए। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक की घोषणा करी कि प्रदेश के युवाओं के स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वामी विवेकानंद केंद्र बना के उसका संचालन जनसेवा मित्रों से कराया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर 50 परिवार के ऊपर एक जनसेवा मित्र को नियुक्त करके रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन परिस्थिति इन दिनों विषम है, गंभीर है, क्योंकि जनसेवा मित्रों का 31 जनवरी को कार्यकाल समाप्त हो चुका है और बीते 5 दिन यानी कि आज 5 फरवरी तक अभी तक कोई इनके पास में सूचना नहीं आई है कि अब इनका कार्यकाल आगे रहेगा या नहीं रहेगा, रोजगार रहेगा या फिर बेरोजगार हो जाएगी। इन्हीं सारी मांगों को लेकर इन जनसेवा मित्रों का सरकार से कोई विरोध नहीं है, ये चाहते हैं कि सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। इसके लिए ये आज एक सभा करके सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षण करना चाहते हैं कि जल्द ही आप हमारे लिए कोई एक एक्शन लीजिए और तत्काल हमारे सेवा विस्तार करके स्थायी रोजगार के अपने वादे को निभाते हुए हमें स्थायी रोजगार से जोड़े, ताकि हम प्रदेश के विकास के साथ काम करके देश के लिए और प्रदेश के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ के ऐसे ही काम करते रहे। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।